गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओलंपिक्स, क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक्स में एक खिलाड़ी कितने खेलों में भाग ले सकता है? तो आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले ओलंपिक से जुड़े हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ओलंपिक खेल में पदक जीतने का सपना हर खिलाड़ी का होता है। ओलंपिक को खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता माना जाता है। ये खेल 4 साल में एक बार आयोजित करवाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न खेलों की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। हालांकि जो ओलंपिक खेल हैं वो हर 2 साल में होते हैं। हर 2 साल में समर और फिर अगले 2 साल में विंटर, फिर अगले 2 साल में समर, फिर अगले 2 साल में विंटर। लेकिन अगर जैसे समर ओलंपिक्स की बात करें तो वो 4 साल में, और विंटर ओलंपिक की बात करें तो वो 4 साल में होते हैं। इसीलिए जो समर ओलंपिक हैं वो फेमस हैं और 4 साल में, इसलिए हम ओलंपिक को मानते हैं कि हर ओलंपिक 4 साल में होते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक का मेडल जीतना एक सपने के सच होने जैसा होता है। इसमें 3 तरीके के पदक होते हैं। प्रथम स्थान आने वाले को गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान पर आने वाले को सिल्वर मेडल और तीसरे स्थान पर आने वाले को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ओलंपिक को लेकर कुछ सवाल भी होते हैं, जैसे कि एक खिलाड़ी ओलंपिक में कितने खेलों में भाग ले सकता है, या क्या कोई खिलाड़ी एक से अधिक मेडल भी जीत सकता है। तो कितने भागों में ले सकता है एक खिलाड़ी? ओलंपिक खेलों में किसी भी खिलाड़ी पर इस तरीके की कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि वह खिलाड़ी कितने खेलों में भाग ले सकता है। लेकिन जब भी ओलंपिक खेल होते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई करना होता है, उसके लिए कुछ मानक निर्धारित है, कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो निर्धारित है, जिनको पूरा करने वाला खिलाड़ी ही ओलंपिक में भाग ले सकता है। एक खिलाड़ी कितने खेलों में भाग ले सकता है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसने कितने खेल या प्रतियोगिताओं के मानक पूरे किए हैं। मान लीजिए अगर एक खिलाड़ी ने एक ही खेल के लिए स्टैंडर्ड्स जो सेट है उनको पूरा किया है तो वो एक में भाग ले सकता है, 2 के लिए स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है तो 2 के लिए, 5, 10 इस तरीके से एक खिलाड़ी भाग ले सकता है जितने भी खेल या प्रतियोगिताओं के मानक वो पूरे करते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि आप जिस खेल में भाग लेना चाहते हैं उनका स्केड्यूल आपस में नहीं टकरा रहा हो। उदाहरण के तौर पर जिन 2 खेलों में आप भाग लेना चाहते हैं उनकी प्रतियोगिता के लिए एक ही दिन या एक ही समय निर्धारित ना किया गया हो, जिससे कि आप दोनों खेलों में भाग ले सकें। ऐसे ही खिलाड़ी, क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जिसने सच में इस तरीके से एक से ज़्यादा खेलों में भाग लिया और मेडल भी जीते हैं? तो ऐसे ही एक खिलाड़ी जिन्होंने ना सिर्फ एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं, और उन सबको आप जानते हैं फ्लाइंग फिश के नाम से, माइकल फेलिप्स, जो आगे जाकर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी और ओलंपियंस बने। फेलिप्स ने सिडनी 2000, एथेंस 2004, बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016, टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया और 28 मेडल उन्होंने जीते थे 2016 तक के डाटा के अनुसार, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। महान माइकल फेलिप्स सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर अपना स्थान अभी तक बनाए हुए हैं। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए जानकारी। इसी तरीके से क्या ही आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।